नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में युद्ध जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच शहर के हीरानगर थाना में पदस्थ एसएसआई की अचानक हुई मौत को लेकर कई आशंका बनी हुई है। दरअसल ड्यूटी पर दो दिन से अवकाश पर चल रहे पुलिस अधिकारी की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएंगे। जहरीली शराब के कहर से हुई हालिया मौतों के बीच इंदौर के थाना हीरानगर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा का सोमवार रात को निधन हो गया। इधर पुलिस के काबिल अधिकारी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मृत्यु के संबंध में जहरीली शराब की भ्रामक सूचना फैल गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी सवालों से पर्दा उठाने के लिए अपने ही महकमे के कर्मचारी की मौत की असल वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करा रही है। दरअसल हीरानगर थाने में पदस्थ एएसआई अजय सिंह कुशवाहा की अचानक मौत का प्राथमिक और संभावित कारण हृदयाघात माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जहरीली शराब या किसी अन्य शराब पीने से मृत्यु के संबंधी भ्रामक सूचना के बाद खुद इंदौर पुलिस भी अब मौत की असल वजह जानने की कोशिश में जुट गई है। उज्जैन निवासी सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा इंदौर के हीरानगर थाने में पदस्थ थे और जांच अधिकारी की माने तो वे पिछले दो दिनों से अवकाश पर थे और रात को सोने के बाद सुबह वो उठ नहीं सके, लिहाजा परिजनों को सूचना दी गई और मृतक पुलिसकर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी भी पीएम रिपोर्ट का ही इंतजार कर रहे हैं। यह मृतक का नाम अजय सिंह कुशवाहा है, ये एएसआई थाना हीरानगर पर पदस्थ है और ये कल इनका खाना वगैरह फलारी उपवास वगैरह करके खाना खा के सो गए थे। सुबह इनके परिवार वालों को 6 बजे मृत अवस्था में मिले और इसमें अभी संभावना अटैक की ऐसी कोई अंदरूनी जो भी है, अचानक जो बीमारी होती है अटैक या और जो हृदय गति रुकने से ऐसी संभावना है, लेकिन पोस्टमार्टम करा रहे हैं और अभी आगे जाँच करेंगे और इसमें क्लियर हो जाएगा। सर क्या लगता है शराब पीने से होती है? क्योंकि शराब की काफ़ी आदि नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। शराब वगैरह का जो ऐसा कोई बात नहीं है शराब पीने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो हाँ इंजनों से पूछताछ में पता चला कि किसी तरह की पीती है, शराब का सेवन करते हैं। हाँ अभी आगे पता चलेंगे, अभी तो शोकाकुल है, परिवार वाले शोक संतप्त है, तो अभी थोड़ा सा ये आज उनका कार्यक्रम निपट जाए फिर क्लियर स्थिति हो जाएगी, उनसे बयान वगैरह लेंगे। लेकिन ऐसा कोई शराब पीने का ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं है। और वहीं का था तो स्टाफ से या किसी तरह? हाँ स्टाफ से किसी प्रकार के नहीं है, सब बढ़िया मिलनसार थे वो और काम में भी प्रॉम्प्ट थे, एक्टिव थे और बहुत अच्छा व्यवहार था उन लोगों का उनका, और उनसे ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। उनके परिवार वाले सबसे अच्छे रिलेशन है। आपका नाम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, थाना हीरानगर। मैं छोटा भाई हूँ और भाई साहब इंदौर में रहते हैं और मैं उज्जैन में रहता हूँ। सुबह बस फ़ोन पहुँचा है और फ़ोन मैंने तो बात मेरी पिताजी से बात हुई थी, पिताजी के बड़े भाई साहु का फ़ोन आया था शायद कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं घूमने गया था सुबह मॉर्निंग में, घूम के वापस आया जस्ट तो घर पर रोना रोना शुरू था। मायरा मुझे भी समझ नहीं आया, पापा जब तक कार पड़ोसी ने कार लगा ली, पापा मम्मी कार में बैठे तुरंत निकल ली, मुझसे बोला ताला लगा के तुम भी आओ। उसके बाद में मामा जी के लोग बच्चा अपनी कार लेके आया, हम बच्चे में अपने बच्चों के साथ उनकी कार से यहाँ पहुँचा। यहाँ पे यही बस मालूम पड़ा है अभी अस्पताल से सीधे यहाँ आए कि रात को भाई साहब कोई दिक्कत नहीं थी बढ़िया, रात को 9-9:30 बजे लेटे सोए, सुबह भाभी उठी, भाभी ने खाने के उठे नहीं थे, भाभी ने मदद के लिए हमारे और भी रिश्तेदार हमको फ़ोन किया, वो लेके अस्पताल पहुँचे। तुम्हारा अब इसमें तो ऐसी कुछ अभी अपने को मतलब कह नहीं सकते हैं क्या हुआ, घर पे आए हैं और खाना ना खाया, सोए हैं लेते हैं बिस्तर पे, बड़ी कहीं 2 बच्चे हैं मेरी, एक बालिका है एक बालक जी। मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं उनके छोटा भाई हूँ। अभय सिंह कुशवाहा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।